गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अदर न्यू व्लॉग। तो मैं आ गई हूँ रेडी शेडी होके और अब व्लॉग का मैंने स्टार्ट किया है। तो चलिए व्लॉग का आगाज करते हैं। जल्दी से अगर चैनल पे नहीं हुआ तो सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि आपको मेरे न्यू व्लॉग मिलते रहे। और इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अच्छे से एक कॉमेंट कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अच्छा बंद कर दिया, चलो नहीं चलो पढ़ो शाबाश। ये नाजरा का है, सुनाओ हिफ्स का है, सुनाओ बगैर देखे सुनाओ फिर हिफ्स का है। तो गाइस सहा जो है हिफ्स कर रहे हैं माशाल्लाह। अम्मा पारा भी इनका अगले पिछले महीने स्टार्ट हुआ है, तो अभी इनका हिफ्स स्टार्ट हुआ है। तो देखिए अभी कहाँ तक पहुँचते हैं। हाँ नाजरा में आप किस में पहुँच गए? हाँ मीम पे। फिर चलो सुनाओ सुनाओ मुझे। चलो पहले आप मुझे हेड सुनाओ। यहाँ पे लग गए, अच्छा ऐसी जगह यहाँ पे लग गए माशाल्लाह। चलो सुनाओ मुझे पहले नाजर सुना रहे, हेड सुना रहे, पहले हेड सुना दो। चलो याद है ना, चलो हेड सुना मुझे। ठीक है बाय बाय। अलम नजअल लहू, सुना सुना नहीं ये वाली सुना, चमाट पड़ेगी, सुनाओ जल्दी जल्दी। शाबाश शाबाश। हो गया बस हिफ्स का सुना रहा है। कहाँ हिफ्स का सुना दो। चलो ये सुना देगा, मैं रख दूंगी ना, मैं रख दूँ, बस मैं रख रही हूँ, मैं खड़ी हो रही हूँ। शाबाश। तो इसका रख दो वहाँ पे और ये वाला दे दो। चलो शहीद नहीं हो। हाँ इसके बैग में डाल दो। कहाँ? चलो जल्दी से सुनाओ बेटा आप। अरे हाँ वो रख देंगी, आप पढ़ो अपना सबक। और बाबा को बोला जैकेट लेना है, क्या बोला बाबा ने? चलो मुझे सुनाओ ना बेटा। ला ऑक्सीमो है ना, ला ऑक्सीमो भी हाजल बलत ला। नहीं ना आपकी जो सूरत है वो सुनाओ ना, ला ऑक्सीमो। हाँ मेरा अब कुछ अटक तो नहीं रहा, दिखाओ इधर। तो गाइस पता नहीं इसको अचानक खांसी होती है, कुछ अटकता है, बलगम शायद इसको बहुत फंस रहा है। अब अटक रहा है कुछ? अब ठीक हो? पक्का बात ठीक हो? पक्की बात बोलो मम्मा, मैं ठीक हूँ। इधर देख के बोलो, इधर देख के बोलिए, बोलिए मम्मा मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पक्की बात ठीक है? तो ध्यान रखना अपना, ठीक है? गले में दर्द हो तो मुझे आवाज़ देना, ओके रानी? भाई जी के माशाल्लाह बहुत हिम्मत वाली हैं, कर लेती हैं वो। क्या कहता है, मौसम असल में थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है ना, चेंज हुआ है ठंडा गर्म, तो इस वजह से सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं। और ये 2 दिन से इनकी कैफियत ऐसी है, अभी तो गले में कुछ फंसता है इसको, तो मैंने अभी डॉक्टर को दिखाया नहीं। सोच कोशिश तो यही है कि बाहर से और घरेलू चीज़ों से इसकी तबीयत ठीक हो जाए, वरना डॉक्टर तो फिर एंटीबायोटिक लिख के देते हैं। अब एंटीबायोटिक पर बच्चे इतने छोटे एंटीबायोटिक पीते हैं यार, दिल नहीं मानता।
तो कोशिश तो मेरी ये कि घर की चीज़ों से ये बेहतर हो जाए, अल्लाह करेगा तो काफ़ी बेहतर है, इंशाल्लाह और बेहतर हो जाएंगी। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह हो गई है गाइस, यहाँ मैं ताहा का नाश्ता बना के रखा हुआ है क्योंकि ताहा को अभी जाना है स्कूल, तो अभी बस नाश्ता वगैरह बना लिया है। और लंच भी मेरे पास आज कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो लंच वो बाहर से मैं उसको अरेंज करवा दूँगी। इनके पापा को कहूँगी ये बाहर से कुछ दिला दें, और बाकी ये अंडा और रोटी इसको मैं अभी खिलाऊंगी, ताहा को उठाऊंगी, फिर मैं आप लोगों को से बात करती हूँ। पहले मैं ताहा को स्कूल भेज दूँ, इसको उठाऊँ, इसको स्कूल भेजूँ, फिर आप लोगों से ब्लॉग को शेयर करूँगी। चलो उठो, टाइम हो गया, उठो खड़े हो, उठो, शाबाश, खड़े हो, चलो टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, चलो ताहा उठो, जल्दी आराम से सही तरीके से उठो, गुड बॉय, उठो, हाथ मुंह धो, कपड़े चेंज करो, चलो आ जाओ, आओ, चलो उठो, टाइम हो गया, उठो खड़े हो, उठो, शाबाश, खड़े हो, चलो टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, चलो ताहा उठो, जल्दी आराम से सही तरीके से उठो, गुड बॉय, उठो, हाथ मुंह धो, कपड़े चेंज करो, चलो आ जाओ, आओ, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? तो सुबह हो गई है गाइस, यहाँ मैं ताहा का नाश्ता बना के रखा हुआ है क्योंकि ताहा को अभी जाना है स्कूल, तो अभी बस नाश्ता वगैरह बना लिया है। और लंच भी मेरे पास आज कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो लंच वो बाहर से मैं उसको अरेंज करवा दूँगी। इनके पापा को कहूँगी ये बाहर से कुछ दिला दें, और बाकी ये अंडा और रोटी इसको मैं अभी खिलाऊँगी, ताहा को उठाऊँगी, फिर मैं आप लोगों को से बात करती हूँ। पहले मैं ताहा को स्कूल भेज दूँ, इसको उठाऊँ, इसको स्कूल भेजूँ, फिर आप लोगों से ब्लॉग को शेयर करूँगी। सुबह का मंजर कितना हसीन होता है, सब कितना कुछ फ्रेश होता है, और यहाँ हम ताहा का यूनिफॉर्म मैंने सकाया था, उसका हम यूनिफॉर्म ले लेते हैं, इसे हमें ब्रश करना है। और सुबह सुबह का मंजर वाकई कितना हसीन होता है ना, टेबल ना टूट गया था तो इसको मैंने देखिए रात में सारा ज्वाइंट किया है, अब देखते हैं कि ये ज्वाइंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसको मैंने सोखने के लिए रखा है, फिर उसको देखे अंदर 3 से 4 घंटे के बाद कि ये ज्वाइंट सूखा सही हुआ, ज्वाइंट हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए इसके यूनिफॉर्म को इस तरीके करते हैं, यहाँ पे ताहा तैयार हो गया है, रेडी हो गया है पूरा माशाल्लाह से, उसको मैं करवा रही हूँ नाश्ता। और जाने से पहले ये मोबाइल ज़रूर देखते हैं, वरना इनका जो है ना हज़म नहीं होता नाश्ता, नाश्ते के साथ साथ जो है ये इनको ज़रूरी होता है ये। और ये रहा ताहा का बैग इकरा का, बस फटाफट से उसको नाश्ता करके भेजती हूँ, और फिर ये आएंगे 2 बजे तक, ताहा सबक याद है? सबक तो मैंने इसको रात को पढ़ाया था, एक अल्लाह का शुक्र इसको याद होगा और याद हो गया था। अब इसको मैं जर्दी वाला अंडा खिला के भेजूँ, और ताहा इतनी कच्ची टाइप की जर्दी खाता है ना कि मुझे उसको खिलाने में इतना गुस्सा आता है, मेरे सारे हाथ गंदे हो जाते हैं। तो चलिए फटाफट से गाइस इसको नाश्ता कर पूरा करवाती हूँ, फिर आप लोगों से बात करते हैं। फाइनली ताहा चला गया, यहाँ देखें बच्चों ने सारी बोतलें खाली करके फ्रिज में रखी थी, अभी मेरी नज़र पड़ी तो सारी बोतलें खाली निकली हैं। अब इन सबको भर के मैं फ्रिज में रखूँगी क्योंकि सुबह उठे में तो पानी ही नहीं होगा, तो सारी बोतलों को वॉश करके फ्रीज़र में रखती हूँ। और यहाँ मैंने फ्रीज़र भी जो है रात से बंद करके रख दिया था, ये हमारा रॉलेंस का फ्रिज है। और यहाँ पर देखें इतना बर्फ़ जम गई थी पीछे की तरफ ना, तो मैंने सारी बर्फ़ पिघालने के लिए पूरा फ्रिज को रात से बंद किया हुआ था। तो अभी मैं इसको ऑन करती हूँ और पानी की बोतलें भी रखती हूँ यहाँ पे, और बर्फ़ मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से जमती है। ये देखें, ये जो चीज़ सामान पड़ा होता है ना उसमें इस तरीके से बर्फ़ जम जाती है, देखें देखें आप। तो फिर इसी बर्फ़ को पिघालने के लिए जो है फ्रिज को मुझे बंद करना पड़ता है। तो गाइस मैंने फ्रिज ऑन कर दिया है, यहाँ पर बॉटल शॉटल सब रखती हैं, ठीक है। तो ये बर्फ़ सारी जगह साफ़ हो गई है, मैंने उस पर भी सफाई भी करी है, अब बाकी की सफाई मैं जो है बाद में करूँगी, अभी मैंने आगे आगे से साफ़ किया है,
फिर मैं इन दोनों शेल्फ को निकाल के फिर मैं इसकी बाद में सफाई करूँगी। तो अभी इतना तो डन हो गया। जो मेरे रूम में जितने भी फ्लावर्स लगे हुए थे तो वो सारे मैंने यहाँ सुखाने के लिए रखे थे, तो अब ये सूख चुके हैं। अभी मैं इनको जो है और थोड़ा और इसको हवा में रखूँगी सुखाने के लिए, और फिर मैं इसका अरेंजमेंट करूँगी जहाँ मैंने लगाए थे। थोड़ा उससे डिफरेंट तरीके से लगाने हैं मुझे, तो देखिए मैं फिर इसको कब लगाती हूँ। अभी तो फ़िलहाल ये धो के सुखाए हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे धुल गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ देखें मैंने सारे प्लांट्स यहाँ पे सुखा दिए हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े गीले थे यहाँ से, तो मैंने कहा चलो रूम में टेबल पे सुखा देती हूँ, तो ये सूख जाएंगे। तो फिर मैं इनको जो है यहाँ इस वॉल पे अरेंज करूँगी पूरा इस वॉल पे। तो यहाँ पे मेरा भी बार बार उठ रही है, अभी भी थोड़ी तबीयत इनकी डाउन है। क्या हो गया क्या हो गया? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा भी थोड़ी तबीयत से डाउन है अभी, बाकी ये जब तक मैं उठूँगी तो सूख जाएंगे। तो अब गाइज मैं थोड़ी देर सोऊंगी और फिर उठ के बाकी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है? तो चल सुबह सुबह ये जो इधर बताती हूँ मैं आपको, ये जो हमारी गैलरी है ना, यहाँ से सुबह सुबह ट्रैफिक शुरू हो जाता है, तो 9 बजे के बाद चैं पैं पौं होना शुरू हो जाता है, और फिर हमारी नींद इतनी डिस्टर्ब होती है। लेकिन अब आधी हो चुके हैं, अब कोई फायदा, अब गुस्सा नहीं आता। जब मैं शादी करके नई नई आई थी ना तो मेरी नींद ख़राब हो जाती थी, मैं सो ही नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं आधी हो चुकी हूँ तो अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ कमर्शियल एरिया है तो सुबह जो है जल्दी हो जाती है। और इतना शोर होता है ना, अभी भी आप देख रहे होंगे कितना शोर है, और अक्सर मेरे व्लॉग में शोर आता होगा। गाइस ये था आज का व्लॉग, तो ये सारा काम था। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ और कंटिन्यू जो है सारी बातें होती रहेंगी, तो इंशाल्लाह कंटिन्यू तो सिलसिला चलता ही रहेगा व्लॉग का। तो आई होप कि आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ मिलती रहें। और ये आप लोगों का इनाम होता है आपकी सब्सक्रिप्शन, जो हमें हौसला देती है, हमें हिम्मत देती है कि हम आगे और मज़ीद अच्छे से काम करें और अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करें। तो अपनी दुआओं में मुझे ख़ास याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अब इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।